मास रेस्टोरेंट पे पाए लाजवाब जायका, अपने मनपसंद खाने का स्वाद, वेज नॉन वेज की स्पेशल वैरायटी, चाइनीज मुगलाई फैमिली रूम भी अवेलेबल। यही नहीं, स्वीट एंड बेकरी में काजू की बनी अलग अलग वैरायटी के गिफ्ट, मिठाइयाँ, दूध और मावा मिठाइयाँ, हलवा बाद स्पेशल, नमकीन, केक और भी बहुत कुछ। मिठाइयों का मैन्युफैक्चर पाए 10% का डिस्काउंट। मास रेस्टोरेंट स्वीट एंड बेकरी पे आए खाने और स्वीट का स्वाद पाए। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। दहिसर ठाकुरपाड़ा में 17 वर्षीय लड़की फरहीन और उसका छोटा भाई 13 वर्षीय की किडनैपिंग का मामला सामने आया है। दहिसर मोरी के गांव देवी ठाकुरपाड़ा में रहने वाले मोबिन अब्दुल करीम खान की बेटी 17 वर्षीय फरहीन और 13 वर्षीय मुकीम 18 जनवरी की शाम को घर से सब्जी खरीदने के लिए गए थे, मगर रात हो गई, दोनों वापस नहीं आए। फरहीन के पिता मुबीन और उनकी पत्नी ने काफ़ी छानबीन की, मगर कहीं भी दोनों का पता नहीं चला। परिवार ने किडनैपिंग की आशंका जताई है और इसकी शिकायत भी परिवार वालों ने डायघर पुलिस स्टेशन में की है। डायघर पुलिस ने FIR दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई। वहीं दूसरी खबर उत्तर प्रदेश के गोंडा से है, जहाँ SCPM कॉलेज के एक छात्र गौरव हालदार को कुछ दिनों पहले कुछ लोगों ने अगवा कर लिया था और 70 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। 22 जनवरी को फिरौती की रकम परिवार वालों को अपहरणकर्ताओं को देने के पहले ही परिवार ने इसकी शिकायत पुलिस में की थी। फिरौती की रकम लेने अपहरणकर्ता दिल्ली से लखनऊ की तरफ रवाना हुए। एक्सप्रेसवे पर पहले से ही गोंडा पुलिस और STF की टीम मौजूद थी और डिजायर कार को देखते ही जब पुलिस ने इसे रोकना चाहा तो पुलिस पर ही फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में 3 अपहरणकर्ताओं को पुलिस ने पकड़ लिया है और इनकी चंगुल से गौरव हालदार को सही सलामत छुड़ा लिया है। मुख्य आरोपी का नाम डॉक्टर अभिषेक सिंह है और दूसरे आरोपी का नाम नितेश और तीसरे आरोपी का नाम मोहित सिंह है। गोंडा पुलिस को इस तरह गौरव हालदार को बचाने में कामयाबी हासिल हुई है। SP शैलेश कुमार पांडे ने क्या कुछ जानकारी दी है, सुनिए। जनपद गोंडा में थाना कोतवाली नगर क्षेत्र में SCPM आयुर्वेदिक कॉलेज का एक छात्र गौरव, जिसका अपहरण 18 जनवरी को हुआ था। इस अपहरण की घटना का सफल अनावरण UP STF और गोंडा पुलिस की टीम ने किया है। इसमें यहां पर नोएडा में 3 अपराधी अरेस्ट किए गए हैं तथा जनपद संत कबीर नगर में 2 इनके साथी अरेस्ट किए गए हैं। इस घटना को अंजाम डॉक्टर अभिषेक नाम के एक अपराधी ने दिया, जो कि गोंडा का रहने वाला है परंतु दिल्ली में एक हॉस्पिटल में काम कर रहा था। उसने अपने साथ रोहित नाम के एक व्यक्ति, जो अपहरित के जगह का ही है और डॉक्टर अभिषेक का साथी है, उसके साथ मिलकर पूरी तरह प्लान किया और इस प्लान में दिल्ली के नीतीश और डॉक्टर प्रीति को इसने शामिल किया। साथ ही साथ मोहित नाम का एक व्यक्ति जो कपड़े की दुकान में काम करता था वो इस प्लान में शामिल हुआ और डॉक्टर प्रीति के माध्यम से इन्होंने बात कराई गौरव से और उसके बाद ये पूरा ग्रुप गोंडा जाता है और वहां से किडनैप करके इसको दिल्ली लाके डॉक्टर अभिषेक के फ्लैट में रखा। लास्ट नाइट STF और गोंडा पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में थाना नॉलेज पार्क क्षेत्र में 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई, जिनके नाम डॉक्टर अभिषेक, दूसरा जो उसका साथी था नीतीश और मोहित, इनको गिरफ्तार किया गया और उसी स्विफ्ट डिजायर गाड़ी से जो अपहृत गौरव है उसको सकुशल बरामद किया गया है। इनके 2 अन्य साथी जिन्होंने पहला एक्सटॉर्शन कॉल भी किया था संत कबीर नगर से, जिनके नाम रोहित और सतीश हैं, उनको वहां गिरफ्तार किया गया है और साथ ही साथ उनसे मोबाइल फोन जो इस घटना में प्रयुक्त किया गया था उसको रिकवर किया गया। इस तरह STF और गोंडा पुलिस